हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वर्कशॉप की प्रैक्टिकल क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, प्रैक्टिकल का टॉपिक है, वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जनरली होता क्या चीज़ है, सभी को पता है, किसी भी चीज़ की माप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट जो होते हैं, सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, एक प्रिसीजन मेजरमेंट या प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं और नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वो होंगे जो कि आपकी मेजरमेंट को एग्जैक्ट करते हैं, एकदम एक्यूरेट रहते हैं। अगर कोई डाटा हमें पॉइंट में मिल रहा है तो वो उसे मापने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। और नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता, पॉइंट्स में जो कुछ डाटा रहते हैं, ठीक है, वो डाटाज हमें नहीं मिल पाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बाद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, ये सब क्या कहलाएंगे, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसके द्वारा जब हम मेजरमेंट लेते हैं वो क्या होते हैं, एकदम एक्यूरेट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वाइज होते हैं। अब नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि क्या होंगे, जो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या होंगे, कैलिपर्स। कैलिपर्स लाइक इनसाइड एंड आउटसाइड, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलिपर्स। कैलिपर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के स्प्रिंग कैलिपर्स होते हैं, ये जो मेरे दोनों हाथों में है, ये जो है वो कौन सा है, कैलिपर्स है, आउटसाइड कैलिपर्स है। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जो भी हमको आउटसाइड डायमीटर किसी चीज़ का नापना होगा उसके लिए। और ये है क्या, इनसाइड डायमीटर, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर, जिसका हम यूज़ करेंगे किसी भी सर्कुलर ब्लॉक या सर्कुलर जो भी जॉब रहेगा उसका इनसाइड डायमीटर नापने के लिए। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ये है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का मेन यूज हम किस चीज में करेंगे, जब हमको किसी भी जॉब की आउटसाइड डायमीटर नापना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में। ठीक है, आउटसाइड के कैलिपर के पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ये जो हमारा टॉप है, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्प्रिंग कहलाता है। इसे हम कौन सा स्प्रिंग बोलते हैं, हुक स्प्रिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू स्प्रिंग क्या करते हैं, कैलिपर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या होता है, फल्क्रम रोलर। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या होता है, फल्क्रम रोलर होता है, जो कि इनके लेग्स को, इनके जॉस को, ठीक है, लेग्स या जॉस, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये हमारा स्प्रिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा फल्क्रम रोलर हो गया, और ये मेन जो पार्ट्स होते हैं इनके हम जॉस भी कह सकते हैं, या तो हम इन्हें क्या कहेंगे, लेग्स कहेंगे, जिन ये दो लेग्स हैं, लेफ्ट और राइट लेग्स, जिनके थ्रू ही हम क्या करते हैं, डायमीटर निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जॉब का बाहरी आउटसाइड डायमीटर निकालते हैं। और एक यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू होता है, जिसके थ्रू ही क्या करते हैं, ये दोनों लेग्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आउटसाइड कैलिपर्स के पार्ट्स। अब हम देखते हैं कि हम इनसे मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास एक बॉटल की ढक्कन है, इसका हम क्या करेंगे, बाहरी व्यास
या आउटसाइड डायमीटर क्या करेंगे, निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लॉकिंग स्क्रू के थ्रू आउटसाइड कैलिपर को, आउटसाइड कैलिपर के लेग्स को लूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो सेंटर पॉइंट इसके बॉटल के बीचों बीच हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे एक हाथ से इस तरह, और दूसरे हाथ से लॉकिंग स्क्रू को बंद कर देंगे। हमको जिस पॉइंट का डायमीटर निकालना है, हमने इसको वहाँ पे रख कर क्या कर लिया है, देखिए लॉकिंग स्क्रू से टाइट कर लिया है ये हमारा। अब हम ये आउटसाइड डायमीटर निकाल रहे हैं इन दो पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये जो डाटा है इन्हें, इसको अब हमको क्या करना है, मेजर करना है। यही क्या होगा, ये इस बॉटल के ढक्कन का बाहरी व्यास होगा। तो अब हम मेजर करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टील रूल या स्केल कहते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके राइट या लेफ्ट लेग को, एक साइड के लेग को जीरो पॉइंट में रखना है, ठीक है, और दूसरे साइड के लेग्स को स्केल पर मेजरमेंट करना है कि वो कौन से पॉइंट तक गया है, जीरो से लेकर ये जैसा दिख रहा है इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे मेजर करना है, ठीक है। हमने एक पॉइंट रखा जीरो पे और दूसरा पॉइंट हमारा आया 45 पे, ठीक है, 45 mm या 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ये एक पॉइंट हमने जो रखा है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और ये हमारा दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे टच कर रहा है, ये आप देख सकते हैं 45 mm में ये टच कर रहा है, 45 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर में ये टच कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इससे हमारा डाटा निकल गया, लेकिन ये क्या है, एक प्रिसाइज डाटा नहीं है, ठीक है। हम इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते क्योंकि ये नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, बट एग्जैक्ट हमको एक डाटा तो मिला कि इस बॉटल के ढक्कन का जो बाहरी व्यास है या आउटर डायमीटर है वो कितना है, 45 mm है, 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह हम इस बॉटल के ढक्कन का इनर डायमीटर या आंतरिक व्यास भी निकालेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनसाइड कैलिपर के बारे में। जैसे आउटसाइड कैलिपर था वैसे ही क्या है हमारा, इनसाइड कैलिपर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें भी एक क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, हुक स्प्रिंग। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इस पार्ट्स को हमने या इस स्प्रिंग को हुक स्प्रिंग बोलते हैं। यहाँ एक फलक्रम रोलर लगा होता है, जिससे क्या होता है, ये लेग्स क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू, जिसकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, लेग्स को या जॉस को खोलते हैं या बंद करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो लेग्स होते हैं, लेकिन दोनों का प्रकार अलग अलग टाइप का है। जैसे कि आपने इसमें देखा था आउटसाइड कैलिपर के जॉस की डिज़ाइन अलग थी, यहाँ पे हम इनसाइड कैलिपर जॉस की डिज़ाइन देखेंगे तो ये क्या है, बिल्कुल अलग है। अब हम बात करेंगे इनसे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड स्प्रिंग कैलिपर है, तो नाम से ही पता है हमको इसका यूज़ क्या है, किसी भी जॉब या किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड डायमीटर निकालने के लिए। तो लास्ट टाइम हमने जिस ढक्कन का यूज़ किया था आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए, अब उसी ढक्कन का हम क्या करेंगे, इनसाइड बॉटल के कैप का इनसाइड डायमीटर, ये अंदर का डायमीटर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें आउटसाइड कैलिपर की तरह ही इनसाइड कैलिपर को इस तरीके से पकड़ना होगा, और आउटसाइड इन बॉटल के ढक्कन के अंदर जाकर हमें क्या करना है, लूज कर देना है पहले तो इसे, फिर अंदर जाके छोड़ देना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा बॉटल का जो कैप है वो स्प्रिंग कैलिपर के साथ ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये अपना डाटा हमको मिल गया, अब हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं, ठीक है। यह
यहाँ से हम इसको लॉक कर दिए। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डाटा है, ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, किसी उस बॉटल के ढक्कन का इनसाइड डायमीटर कहलाएगा। इसमें भी हम सेम मेजरमेंट, अब मेजरमेंट कैसे लेना है हमें, फिर हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, सेम जो दोनों जॉस थे 1.0 में रख के सेकेंड पॉइंट को हमको कहाँ रखना है, आगे वाली पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो है 0 पॉइंट में रख के सेकेंड जॉ जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे मेजरमेंट ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट देख के बताता हूँ आप लोगों को, एक पॉइंट अगर हमने 0 पे रखा तो दूसरा पॉइंट जो है नियर अबाउट 440 mm के आसपास है या 4 सेंटीमीटर के आसपास है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है हमें 40 mm के आसपास मिल रहा है, दूसरा लेग्स का जो पॉइंट है या 4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस बॉटल के ढक्कन का जो डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर है, इस बॉटल के ढक्कन का जो इनसाइड डायमीटर है वो कितना होगा, 40 mm या 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा हम इसे कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, कैलिपर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हो सकता है ये इनर डायमीटर इसका 4.1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 41 mm हो, 42 mm हो, इसलिए हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही कम यूज़ करते हैं। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर्स, ठीक है, हाइट गेजेस, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट डाटा क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो आज हमने देखा क्या, इनसाइड माइक्रोमीटर। अब आप लोगों की क्लासेस अगर स्टार्ट होगी तो हम इसका प्रैक्टिकल भी क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में करेंगे। ओके, थैंक यू।